हम सोचा था हम दुनिया में पैसे कमाएंगे, बहुत बड़ा घर बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, बच्चों का शादी करेगा, लेकिन परिस्थितियां ऐसा नहीं दिखते हैं। अब क्या हो रहा है कुछ मालूम नहीं है। अगर हमारा बच्चों को शादी नहीं हो गया कोई बात नहीं, लेकिन पापों से मुक्ति पाए। हम जितना लोगों को जानते हैं उन सबको पापों से मुक्ति मिले, ताकि वो नरक की आग से बचे और स्वर्ग में, क्योंकि यीशु का नाम पापों से मुक्ति के लिए दिया हुआ नाम है। एक दिन प्रार्थना करने के समय परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया। वो दर्शन भयानक था। मैं देख रहे थे हमें एक आमेन सिंहासन को परमेश्वर ने मुझे दिखाया। वो सिंहासन में मैं कोई बैठा हुआ, मैं ठीक से उसको देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसके सामने हमें एक पुस्तक है। हमें कोई इधर उधर लोग बैठकर वो पुस्तक को खोल रहा है और लोग उसके सामने से जा रहा है। हमें वो पुस्तक खोलने के समय वहां से कुछ शब्द में सुनाई नहीं दे रहे, लेकिन कुछ एक्शन दिखाई दे रहे थे। हमें ऐसे कुछ एक्शन मैंने देखा है। हमें सिंहासन के सामने व्यक्ति खड़ा है, वो एक्शन देखा और एक व्यक्ति को हमें एक स्वर्गदूत आकर उसको घसीट कर लेके जा रहा है। वो व्यक्ति चिल्ला रहा है, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, लेकिन वहां पर कोई दया नहीं है। मैंने वो देखते देखते मैं देख रहा था एक बहुत बड़ा खाई दिखाई दे रहे थे, एक पहाड़ की जैसे एक ऊंचा स्थल, और उसका सामने में देख रहे बहुत बड़ा खाई है। मैं खाई की ओर देख रहा था, वो खाई में आग जल रहा है। आमेन इस व्यक्ति को घसीट कर लेके गया, उससे उसमें उसको फेंक रहा था। ओ मैंने सोचा, आमेन उस टाइम रात को मेरे अंदर एक डर आया, मेरा कुछ प्रिय लोग उठा नहीं पाया। आमेन मैंने कैसे उनको बचा लूं? आने वाला दिनों में अगर जीवन की पुस्तक में उनका नाम नहीं है, वो सब लोग वो आग की झील में चला जाएगा। आमेन प्रचार अभी हो सकते हैं, मरने के बाद में किसी के पास में प्रचार नहीं कर सकता। हर एक भाई बहन अपना जीवन में इस बातों को समझ लीजिए, हमें मरने के बाद में किसी को स्वर्ग में हम चढ़ा नहीं सकता। हमें आज बोलते हैं, हमें जीवन की पुस्तक में जिसका नाम नहीं है उसको आग की झील में डाल दिया जाएगा। यीशु पर विश्वास करने से आपको मिला हुआ, हमें आशीष आप समझ लेना, इस संसार में मिला हुआ एक घर बंगला हमें थोड़ा चंगाई नहीं है। आपको पाप क्षमा मिला, अधिकार मिला, अनंत जीवन मिला, अनंत काल की आग की झील से आप और मैं बच गया, यीशु का नाम लेने से बच गया। मेरा प्रियो यह सच्चाई जानो, आकाश और पृथ्वी ढल जाएगा, ये वजन नहीं ढलेगा, ये कोई धर्म का प्रचार नहीं है, ये परमेश्वर की वचन है। आमेन। कोई भी नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरा प्रिय भाई बहन, आमेन, लोगों को उस अनंत काल की आग का झील से बचाने के लिए हमारा जिम्मेदारी है। मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा परिवार का कोई भी सदस्य वो आग का झील में ना जाने पाए।